एवरीवन, वेलकम टू सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद और आज की ब्लॉग की नई शुरुआत हो चुकी है, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर गाइस। और बस शाम हो रही है, टाइम हो रहा है रात का, एक्चुअली शाम भी नहीं, रात हो गई है और मगरिब हुई है। अभी नमाज़ पढ़कर मैं रेडी शेडी हुई हूँ। क्यों हुई हूँ, रीज़न बिहाइंड, मैं जा रही हूँ आज बरसों बाद अपने नानी हाउस, मतलब अपनी नानी के घर पर, और वहाँ पर है दावेद। तो मामा का फ़ोन आ गया था, तो एक्चुअली हस्बैंड का फ़ोन आ गया था तो मैं उनका पिक करने लगी थी। और बस मैं यही बोल रही थी गाइस कि क्या रीज़न है, क्यों जा रही हूँ, सब आप लोग के साथ डिस्क्लोज करूँगी, हैव पेशेंस। और बस खाला जान का फ़ोन आ गया, फटाफट से मैं निकलती हूँ। और मैंने पहना अपना ईद वाला ड्रेस, क्योंकि ये मैंने ईद के बाद आई थिंक पहना ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट सिल गया था तो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, तो मैंने इसको लूज़ करवाया है। आई डोंट नो व्हाई, मैंने बहुत लंबी कहानी है, बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो बस फटाफट से मैं हो गई रेडी। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और बस चलो अब निकलते हैं, मम्मा का भी फोन आ गया है और हस्बैंड भी नीचे आ गए हैं। मैंने एक्चुअली बहुत टाइम बाद जा रही हूँ तो आंटी के लिए मैंने स्वीट्स वगैरह मंगवाई हैं। तो यस चलो चलते हैं, उनको खिलाते पिलाते और ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और बहुत धमाल करने वाले हैं और हो सकता है मेहंदी नाइट भी हो, तो मैं आप लोगों के साथ जो कुछ भी होगा इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो अब मैं फिर बोल रही हूँ कि ब्लॉग्स बहुत मजे के आगे आने वाले हैं, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को तो बिल्कुल हिट कर दो, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन जो है आपको तभी मिल पाएंगी। तो चलो दुपट्टा संभाल नहीं पा रही, उतरता रहता है, लेट्स गो करके निकलते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी अगर फॉलो नहीं किया है तो sana_tabu जल्दी से फॉलो कर लें, स्क्रीन पर दे दूंगी हैंडल और वहां जाके फॉलो करें और रील्स को करें एंजॉय। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर। दिस इज़ बेसिकली माई OTTD बोलूँ ये, क्या बोलूँ, आई डोंट नो ये कहाँ से उठ रहा है। तो बस ये है जी मेरा ड्रेस, बहुत मज़ेदार ड्रेस है, मतलब मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, मेरे ही बुटीक का है। और बस चलते हैं, रेडी शेडी हो ही गए, आप लोगों के साथ शेयर कर दिए सारी चीज़ें, बस निकलते हैं। नीचे हस्बैंड आ गए हैं नीचे, चलो फटाफट से चलते हैं, बहुत सारी बातें देंगे क्योंकि व्लॉग फिर हो जाता है लंबा और फिर एडिटिंग में मुझे आती है बहुत गुस्सा, है ना। चलो चलते हैं, मैं कहीं जाऊं और अपना ये फेवरेट ऊद ना लगाऊं जो कि मेरे मामू लेकर आए थे सऊदी से, और ये बहुत ही मज़े की इसकी फ्रेग्रेंस है गाइस। तो बस चलो इसको लगाते हैं, फटाफट निकलते हैं भाई। सो ये आ गए जी स्वीट्स, जो कि है फ्रॉम मनोश्री स्वीट्स। चलो चलते हैं इसे लेकर और आंटी का कराते हैं मुँह मीठा। मैंने पहन लिया अब आया और लेट्स गो होते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो करते हैं विद दिस। चलो भाई निकलते हैं, बारिश हो जाए तो मौसम पूरा ऐसा हो जाता है। मैं आ गई हूँ नानी के घर पर और बस अब चल करते हैं रसम मिठाई वाली, क्योंकि मैं लेके आई हूँ उनके लिए स्पेशली। अच्छा मैं बताना चाहती हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ ये है कि मेरी आपिका हो चुका है रिश्ता एंड रिश्ता हुआ जो है वो बॉम्बे के हैं लोग सारे। तो बाकी डिटेल्स देखो मुझे अभी नहीं है, मैं जस्ट अभी यहाँ आई हूँ, तो जो डिटेल्स मुझ तक आएंगी इंशाल्लाह, कल एक ग्रैंड फंक्शन नानी के घर पर ही, तो वो भी मैं शूट करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून हो जाओ और बहुत मज़े के ब्लॉग्स आगे आने वाले। चलो रसम करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एक मिनट मम्मा, एक मिनट। मैं लाई हूँ ये स्वीट बॉक्स, मम्मा इसको ओपन करना ज़रा, खोल दो मम्मा इसको पूरा, टेप हटाओ इधर साइड। मम्मा टेपिंग है ना ये, टेपिंग। मम्मा मम्मा पीसेस सारे उल्टे हो जाएंगे, मैंने मिक्स वाले मंगवाए मम्मी आंटी के लिए, स्पेशल बॉक्स फ्रॉम मनोज, स्पेशल वन फॉर स्पेशल वन। शब्बो अपनी ताकत लगाती हुई, ये शब्बो ने खोल दिया ये शब्बो ने को आंटी ढूंढ क्या बोल रही है शब्बो, तुमने मेरे मनोज के डब्बे की क्या हाल कर दिया, इतना तो अच्छा खोला। ओह माय गॉड, आई लव का लिया, मुझे छोड़ देना, दिख रही है डब्बा, अच्छा मैंने खोला, वाह वाह वाह। चलो चलो आंटी कह रही हूं गाइस आपको आंटी, चलो ये रसम कर दे ठीक है। हेलो एवरीवन, देखो ये रही स्वीट्स और मैं खिलाने जा रही हूं अपनी स्वीट्स से आंटी को। आंटी कौन सा वाला बताओ जल्दी बताओ, ये वाला खोलो फिर यार, पीस में चुना है तो देखो कौन सा वाला, खोलो चलो बेटा मॉम, वो भी पूरा कवर्ड है आंटी, दोनों आ रहे हैं, आंटी दोनों आ रहे हैं ना, इसमें बनी कब रहा है, रुक जाओ उसे दो उसे चार दे। गाइस ये न्यू लोग जो है ना मुझे बन के दिखाते हैं, तो मैंने बना ली थी तो फिर इसका ही जाते हैं। चलो आंटी को खिलाते हैं,
लो भाई, मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और जी बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग मेरी आंटी को अपनी दुआओं में याद रखना। और मेरे पर कैमरा है, मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, आपकी ऊपर है मैं। मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से कि मेरी आंटी के लिए करना दुआ कि अल्लाह इनका नसीब बहुत अच्छा करे इंशाल्लाह, और ऐसी मजे मजे के ब्लॉग्स मैं आपके लिए लाती रहूं। चलो एक पॉइंट अप करो, चलो चलो चलो, बस करो, अब सब टूट जाओ, नहीं चलो सब टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ मिठाई के ऊपर। बाय। हमें तो यही पसंद है। शब्बो कौन सा पीस खाएगी? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खा रही है, हो गई गुलाब जामुन। रियाना पिया गुलाब जामुन, गुलाब जामुन खा रही है। और रियाना पिया कौन सा कहेंगी? एक फोटो तो लेने दो मिठाई के डब्बे का। सारे वो तो गए, पैदा हो गए भैया सारे ब्लॉगर भैया। तो सुन मेरी बात, पीस दे मेरी आंटी को, चल पीस दे आंटी को। गाइस बहुत मजा आ रहा है, मैं इतना स्वेट कर रही हूँ ना लिटरली, बहुत ज्यादा। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, जरा थोड़ा सा एंजॉयमेंट और कर ले, मैं आप लोगों को एंजॉय कराती रहूंगी। आप जरा बोलना क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आंटी, क्या बोल रही हैं अरसल? मतलब मैंने बात नहीं करी, मैं बड़े लोगों में लग गई, अरसल को प्यार नहीं किया, आज पैंपर नहीं किया, तो वो मुझे कह रहे पीछे से आपने खुद ही तो बात नहीं की ना मुझसे। देखो तुम्हारा एटीट्यूड, आज मेरा असल ब्लॉग में आने में भी ये वो करते हैं, नाटक दिखाते हैं, ये बहुत ये देखो मेरा बेटा आ गया ब्लॉग में। आए हाय मेरा बेटा, पसीना हो रहा है बहुत ज्यादा। ना ही धुए नहीं हो तुम है भाई? नहीं, गर्मी में बहुत बुरी हालत है गाइस, बारिश की वजह से और पक्का हो गया। वैसे हाँ ये तो बात है, थोड़ी थोड़ी मिनट बाद ऐसे एकदम हो जाता है ना। अच्छा मेहंदी किस टाइम लगनी है ये तो बताओ, डिनर के बाद? वही मैं सोच रही हूं, टाइम तो बता दो। तो क्या टाइम हो जाएगा आज रात के 1 बज जाएंगे? अरे मैंने सही टाइम दिया है, मैंने 12:30 1 बोला है। वैसे गाइस जब इंशाल्लाह मेहंदी की रस्म होगी तो मैं आप लोगों के साथ सारी क्लिप शेयर करूंगी इंशाल्लाह। एक हदीस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरी आंटी के लिए टिप है क्योंकि उनकी शादी होने वाली है और मैं 6 years एक्सपीरियंस हूँ। तो मकसद ये है कहने का, अबे म्यूजिक ऑन मत करना बेटा, अभी कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, एक सेकंड। तो मेरी एक टिप और हदीस भी है, अगर हस्बैंड प्यार से पैसा देता है ठीक है, ना दे तो आपको पूरी परमिशन है दीन की तरफ से कि आप पॉकेट में हाथ डाल के निकाल सकते हो जितनी आपकी जरूरत हो। गाइस सुन लो, नई नवेली हदीस ये है कि अगर हस्बैंड प्यार से पैसा देता है तो ठीक है, नहीं तो आपको अल्लाह पाक की तरफ से परमिशन है कि आप पॉकेट में डालें हाथ और जितनी आपकी जरूरत का हिसाब का पैसा चाहिए आप निकाल सकते हैं, आपको कोई गुनाह नहीं है। सही बात है मम्मा, सही है नई बात मम्मी, हदीस मैंने सुनी है अभी, नई हदीस है ये, अभी इन्वेंट हुई है नहीं। आप पॉकेट में डालें हाथ और पैसा निकाल लें और जितनी जरूरत है उतना, ज्यादा नहीं। सो गाइज यहाँ म्यूजिक ऑन था तो मैंने इसलिए कॉपीराइट की वजह से ना हटा दिया, और ये मेहंदी की शुरुआत हो चुकी है तो बस स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने लगा दिए सबसे पहले मेहंदी अपनी आंटी के हाथों पर, MF, ठीक है। अब तुम लोग सोचते रहोगे लड़के का नाम क्या है, कमेंट करके बताओ लड़के का नाम क्या हो सकता है। जिसने कमेंट करके सही नाम बताया उसको, यहाँ पे अभी रोने धोने का सिस्टम चालू हो गया था, ठीक है बहुत रोए सब, क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूजिक ऑन था तो मैंने ना एक्चुअली वीडियो नहीं, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता तो इसीलिए। तो गाइस यहाँ पे रोना धोना स्टार्ट हो गया था तो मैंने कैप्चर नहीं किया, बट मैं हर अपडेट आपको देती रहूंगी। और अभी मैंने जस्ट आंटी के हाथ में सबसे पहले मेहंदी मैंने लगाई। अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि नाम क्या हो सकता है ना, एम से नेम है, एफ से फरा, एम से क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और गाइज यहाँ पर हम लोग करने लगे थे डांस, आंटी को थोड़ा सा हम चिल करवा रहे थे, वो रोने लगी थी तो इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था डांस। गाइज यहाँ खाने की तैयारी चल रही है, बन चुके हैं मज़ेदार से राइस विद उड़द, और अभी घुट रहे हैं एज यूजुअल।
केवल नानी वाले घर में तो ये एक्टिविटीज़ बड़ी मेमोराइज की जाती हैं। सो फाइनली आई एम एन्जॉइंग हेयर विद दीज थिंग्स। और मेरी खाला जान है दोनों ये लगी हुई हैं, आज तो सबके हाथ लगे, मज़ा आने वाला है सारी खालाओं के हाथ के उरद और राइस में इंशाल्लाह, है कि नहीं दोनों आंटी, बोल तो कुछ। हाँ बिल्कुल, ये बस मैं बैठ के खाऊंगी गाइस, और आंटी लोग बना रहे हैं ठीक है। नहीं नेट पे छोड़ दो, नेट पे छोड़ दो, तो गाइस नेट पे छोड़ दो। तो गाइस यहाँ पे जो है खाना बन रहा है मजेदार, पीछे पूरी पब्लिक है। गाइस मैं ले रही हूँ तो सबके फेसेस हाइड कर दूंगी। हाय बोल दो सब लोग जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। सो यहाँ पर बस इतना मज़ा आ रहा था ना आंटी लोग के साथ, मैं इतना टीज़ कर रही थी उनको और वो लोग मुझे कर रहे थे, हमने बहुत फुल नाइट इन्जॉय किया। सभी डिनर शिनर स्टार्ट हो गया है और उधर गोश्त बना है साथ में विद राइस मज़ेदार, तो बस अभी खाने जा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं ठीक है जी। और आंटी बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही, हंसे जा रही, पता नहीं क्यों, ज़रा मैं भी सुन लूँ, मैं भी हंस लूँ थोड़ा सा। है भाई क्यों हंस रही है तुम, ज़रा ये तो बताओ, शादी की ज़्यादा खुशी है ना आंटी, इसको इसको थोड़ा सा सेट कर दो अभी। हाँ चल रहा है जी खाने का, चल रहा है जी खाने का ताम झाम, वो थोड़ा ही देना ज्यादा नहीं है। आंटी थोड़े डालना ज्यादा नहीं है। अच्छा जी मेरी प्लेट रेडी मजेदार, चलो चलते हैं और खाते हैं खाना। इसने खाना नहीं यार, मैं नहीं खाती, पीस पीस हम नहीं खाते भाई। लोग बाहरों को सिर्फ ट्यूशन की फिक्र, बस आंटी की नहीं है। गाइस अभी जस्ट हम लोग का डिनर वाइंड अप हो गया है और बस अभी जस्ट हम लोग खा के बैठे हुए हैं, गर्मी बहुत है। अब बस प्लान हो रहा है कि मेहंदी शेदी लगाएंगे और सारा एंजॉय करेंगे, डांस वांस करेंगे, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ठीक है जी। तो बस ये पी रही हूँ पानी और थोड़ी देर में जो अपडेट होगी, आई होप आपका आज का ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा इंशाल्लाह। चूड़ी लानी है खरीद के, कौन सी उदा, उदा ना है उदा ऑल, उदा रेस्टोरेंट ही है उदा, कितनी बुरी है हाजिया का खिलाएंगी तो हम क्या पागल हैं स्टाफ वालों को, और हम हमें गुलशन गुलशन करीम जाएंगे। और भाई जो हमारा मन करेगा स्टार्टर्स भी मेन कोर्स भी और मीठा भी सब कुछ चाहिए, मोटी पार्टी है भैया, अच्छा कमाने वाली है हमारी आंटी माशाल्लाह। देखो ये ब्लॉग में एविडेंस हो गया बस, होगी ना तो भाई ब्लॉग में हो गया कंफर्म, और इंशाल्लाह उस पार्टी का भी ब्लॉग बनेगा इंशाल्लाह। आमीन 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 सुम्मा आमीन। तो गाइज यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी मम्मा की मेहंदी, खाला जान की मेहंदी, तो बस यहाँ पर सब लोग लगा रहे थे, और ये मेरी मामी की बेटी है आयशा नूर, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है माशाल्लाह। यहाँ पर बस स्टार्ट हो गई थी मेहंदी हम लोगों की और हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया फुल नाइट। अच्छा गाइज मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर म्यूज़िक ऑन था, तो मुझे थोड़ा सा था कि यार ऐसा ना हो कि पता चला कि म्यूज़िक ऑन है और मेरे एक्चुअली वीडियो पर ऑलरेडी आ चुका है कॉपीराइट, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। और इस जगह पर जो है ना हम लोगों ने फिर मैंने बात पक्की करी कि फटाफट से आंटी आप फटाफट से अपने मेहंदी लगाने बैठो, और महविश और ज़ारा को बोला मैंने कि तुम लोग आज मेरे मेहंदी लगाओगे, बहुत टाइम बाद मैं किसी से मेहंदी लगवाऊंगी, एंड बहुत इन्जॉय किया गाइस ट्रस्ट मी, इतना मज़ा आया ना हम लोगों को। मेरे को सुबह के 5 बज गए थे, घर आते आते 4 बज गए थे, नहीं ढाई ढाई 3 बजे तक मैं आ गई थी, बट यहाँ पर देखो अब स्टार्ट हो गया आंटी की मेहंदी, और मेहंदी इतनी सुंदर लगी थी, इतनी सुंदर लगी थी ना आई कांट इवन टेल, आप खुद ही देख लो व्लॉग में यार। और प्लीज़ इस व्लॉग को भी उतना ही प्यार देना जितना कि आपने पहले दिया था इस व्लॉग को ही सेम, क्योंकि इस पर कॉपीराइट आ गया था, मैंने बॉलीवुड म्यूज़िक जो है वो म्यूज़िक ऑन था मैंने वो हटाया नहीं, तो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ गया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और इतनी मेहनत से एक व्लॉग बनता है यार, फिर उसको एडिट करो, फिर शूट करो, फिर एडिट करो, फिर अपलोड करो, यार वेरी टफ टास्क, लेकिन कोई बात नहीं चलो अब मैंने बिल्कुल सारा म्यूज़िक हटा दिया और बस मैं वॉइस ओवर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी इतना ही प्यार देना जितना पहले ही दिया था और जितना मेरे और वीडियोज़ को आप देते हैं। और माशाल्लाह मम्मा के हाथ की मेहंदी बड़ी सुंदर लग रही है, देखो ये मेहंदी मेरे हाथ रह गए, चलो चलते हैं और मेहंदी लगवाते हैं गाइस। और यहाँ देखें माशाल्लाह आप ही की मेहंदी लग चुकी है और कितनी खूबसूरत लग रही है गाइस, प्लीज़ एक बार माशाल्लाह ज़रूर बोल लें, और अल्लाह पाक इनका नसीब बहुत अच्छा करे और ये हमेशा खुश रहें इस तरह से। और माशाल्लाह इनका रंग बहुत अच्छा चढ़ा था गाइस, तो यस
सो गाइज मैं आ गई हूँ घर और ये देखे जी मेरी मेहंदी माशाल्लाह भाई मैंने लगाई थी धो के से मेरे फॉरहेड पर लग गई इस वाले हैंड की एंड इस वाले हैंड की भी सो माशाल्लाह दोनों हैंड्स पे ना मतलब बैक पर लगवा लिए फ्रंट पर नहीं लगवाई है और अभी तो सब ख़राब हो गई। टाइम हो रहा है रात का आई थिंक 3:30 और सॉरी हस्बैंड सो रहे हैं और मैं जो हूँ ना अभी जस्ट घर आई हूँ और देखो मेरे फॉरहेड पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे निशान होगा हल्का हल्का ना पूरी हालत ख़राब हो चुकी है माशाल्लाह लेकिन मज़ा बहुत आया और मेरे मेहंदी लग चुकी है जी दोनों हैंड्स पर ये देखें ये देखें ठीक है और ये वाली देखें सॉरी ये देखें जी ठीक है तो दोनों एंड्स पर लग चुकी है मेहंदी मज़ेदार सी। अब कलर कैसा आता है इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा तो दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप मेरा ये छोटा सा सो गाइस रात का बज रहा है 3:30 और मैं जस्ट अभी घर आई हूँ तो मैं 2:30 आ गई थी और मेरी मेहंदी अब मेहंदी शेंदियाँ लग चुकी है ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ना देखिए ये वाली भी देखें एंड ये वाली भी देखे ठीक है सो ये लग चुकी हैं और ये मेरा लगा था ये यहाँ पर ना धोखे से मेरे कज़न को मैं कुछ बोल रही थी और मैंने ऐसे कर दिया और वो जाके मेरे फॉरहेड पे लग गया तो बस ये ख़राब हो गया लेकिन ख़राब नहीं अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो बस गाइस ये मज़ेदार सी मेहंदी हो गई है रेडी है हमारी दोनों हाथों की और रात बहुत हो गई और वैसे भी मैं रात को अपना सारा बिना सोशल मीडिया का काम करती हूँ तो मैं सोती ही सुबह फजर पढ़कर हूँ ये एक्चुअली मेरी एक नई अपडेट है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो बस अब मैं फटाफट से मेहंदी मेहंदी उतारूँगी इसको वॉश करूँगी हैंड्स को और मैं जा रही हूँ वजू बनाने मैं पहले तहज्जुद का टाइम है तो तहज्जुद पढ़ूँगी एंड देन फजर पढ़ेंगे और उसके बाद हम सोएंगे और एक घंटा मुझे मिल गया था तो अल्लाह के शुक्र से होपफुली मैंने सारा काम निपटा लिया आते ही और हस्बैंड जो बेचारे उल्टे सीधे लेटे हुए उनको ठीक से मुझे मतलब मैं करती हूँ सब मैनेज और बस चलो अब ये आज का जो व्लॉग है वो नया शुरू करूँगी कि फंक्शन व्लॉग है तो इंशाल्लाह आज का जो व्लॉग है उसमें स्टे ट्यून्ड रहना बहुत मज़े के व्लॉग्स आगे आने वाले हैं। सो अगर आपने मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर 12,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब गाइज ऐसे अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिए जितना हो सके। बाय बाय।